people in our side did not understand. They thought ki inka cook the, she's 85. Ab Balkrishna kaun ho sakta hai, ya to koi acha unmarried. And it took 3 weeks for them, and then she said ki haan, usne haan bol diya, main aaungi. She went to America to deliver the lecture. She came back from Bombay. She drove to her place Amravati. She went there. First thing she did is went to meet him. रिलेशन क्या है बताती है, तब जब मैं पूछा तो रिलेशन बोलती है छोटा भाई है ना, मैं जब यहाँ आई उसके 6 महीने बाद, नाउ शी इज 85, व्हेन शी वाज यंग शी वाज 9 years old, तब से प्रवचन करती है, व्हेन शी वाज 9 years old उसके पहले बाद 6 महीने से वो मंदिर बना, तो बोलती है बालकृष्ण कौन हुआ, मेरा छोटा भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं दीदी बन गई ना उसकी, तो वॉट एवर टेंटरम यू सेड आई हैव टू लिसन. Jesse America se aayi, she went there and could not take the darshan. Everybody was surprised. Bole nahi, bolta hai mana kar, mana kar diya, gussa kiya hai, 2 mahine se ho nahi na. This is called relation with the God. This is how the relationship develops. Ab unko kuch puchenge, sakha kaun hai, boli Balkrishna hai, Surdas Maharaj. Kisi ko kuch puchte hi nahi the. Pak Kabir Maharaj ko jab hanging ki news aa gayi, tabhi bhi Kabir Maharaj bolte theek hai. कबीर को किसी ने बोला भाई वो कुत्ता काट रहा है आपको, बोले वो कुत्ता जाने और पिंडरी जाने, हमारा क्या लेना देना उससे. रामकृष्ण परमहंस की यही हालत थी. रामकृष्ण परमहंस को माथुर जो थे, दमाई थे रानी राजमणि के, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि इतने अच्छे पुजारी है तो ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स उनके नाम पे कर दो. ही स्टार्टेड टॉकिंग विद हृदय, उनका नेफ्यू. दोनों बात करके ऐसे वरांडा से आ रहे थे और माथुर उनको बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी है ठाकुर के नाम पे सब मैं कर दो. उतना रामकृष्ण परमहंस ने जाते वक्त सुना, जैसे ही कान पे आया वहां पे एक लकड़ी की काठी थी हाथ में लिया, उसके पीछे लगे नालायक मुझे दुनिया में खींचते हो. ये फर्क है. वर्ल्डली प्रेजेंस इज अ पॉइजन और हमारा उल्टा है. भगवान कभी कभी, दुनिया हमेशा, और अच्छी लगती है दुनिया, अच्छी लगती है हमको. रोज यहाँ पे दुख है, रोज लात पड़ती है, भयंकर दुख का भंडार है, फिर भी शादी करनी है, फिर भी बच्चे पैदा करनी है, फिर भी सोचना ही है कि एक दिन आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा. ऐसे करके ऊपर करके देखते रहते, तब तक पीछे से यमराज अपना पैर खिसक के लेके चला जाता है. क्या कॉन्फिडेंस है देखिए, 60-60 साल के लोग भी बोलते मैं क्या सोच रहा हूँ. अरे अभी सोचने का वक्त नहीं है. Don't come across everybody. What? Who gives the confidence at this age to think that I am perpetuating? You cannot. This age is now. अभी आप बताइए, 50 तो हो चुका, बराबर 70 के बाद गिनने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि होंगे आप तभी भी कोई और उठाने के लिए लगेगा आपको. तो बच्चे कितने एक्टिव साल है, उसमें आपने कितनी बार भगवान का ध्यान किया, और कितना डर डर के रहेंगे हम. That is why Kabir says, हम पंछी परदेसी बाबा अनि देसरा नाही, वनि देसरा लोग अचेता पल पल डर माही. I am not from this place. I am from Abhaya, Abhaya land. So that is why in terms of behavior, that is, गीता का श्लोक लेना है तो implementation के लिए. गीता का जितना भी तीसरा और चौथा अध्याय हुआ है, इसका intellectual discussion जो है वो ठीक है, डिस्कशन के लिए जरूरी है, उसके मूल्य है, लेकिन उसको मर्यादा है. जरूरी यह है कि जितना कर्मना गहनो गति, तो कर्म कैसे करना है. जब फल की बात करिए, सोच ली मेरा कौन सा कर्म फल के हिसाब से होता है. घर पे जाके एक लिस्ट कीजिए एंड डोंट राइट कौन सा कर्म फल के हिसाब से होता है, राइट कौन सा नहीं होता है, क्योंकि वो लिखने लगेंगे तो किताबें बन जाएंगे. एक भी कर्म हमारा ऐसा नहीं होता कि जिसमें फल की अपेक्षा नहीं है. कभी ऐसा किया है कि एक कप भर चाय बनाई है और अपनी वाइफ को दे दी है, कोई फल की अपेक्षा नहीं, होता ही नहीं है ऐसे. एक तो देते ही नहीं है, बात अलग ही. अगर दे भी दिया 15 बार तो कम से कम बोलेगा मैं करता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. कभी कभार जनाब ने बनाई होगी चाय. तो सेवा की वृत्ति अपने लोगों के साथ नहीं है, बाहर क्या करोगे आप, क्या क्या दर्द समझ में आएगा बाहर के लोगों का. वैष्णव जन तो तेने कही है पीर पराई जाने, पराई तो बहुत, घर की पीड़ा समझ में नहीं आती है. पापा आ गए तो सब सन्नाटा, क्यों पता नहीं क्या बोलेंगे, कब भड़केंगे. भड़केंगे मतलब ये पेट्रोल का बॉम्ब भी रहता है, ऐसे कैसे हो सकता है. कहां ये दही भगवत गीता. गीता का मतलब ये है कि काम संपैशनेट शांत वृत्ति, घर में शांति इतनी होनी चाहिए.
आनंद और शांति एक ही चीज की दो नाम है। शांति पैदा करना ये भगवत गीता पढ़ना है। पहले जाके सबसे पहले आपके स्पाउस को पूछो कि भाई छह साल हो गए हमारा भगवत गीता में, हमारा अभी दूसरा संस्करण चालू है, गीता तो एक बार इधर से हो के दोबारा छठी बार चली गई आगे, मैं कहा हूं? एंड वाइफ इज ऑलवेज अ गुड डिस्क्रिमिनेटर, शी इज अ वेरी क्रिटिकल जज।